वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपको इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं देने वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केटिंग यानी सामान से रिलेटेड जो है नॉलेज देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बिना स्किप किए काफ़ी ज़्यादा आपको जो है नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा सामान दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल न्यू ब्रांड सामान है और काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल है। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आपको जो सीधा व्हाट्सअप करना है उस लिंक पे क्लिक करते ही व्हाट्सअप खुल जाएगा। वहाँ पे ऐड टू कार्ड करना है और आप सीधा जो है सामान खरीद सकते हो। आपको यहाँ पे बता दूँ कि कैश ऑन डिलीवरी जो हम सामान प्रोवाइड नहीं कराते हैं फिलहाल, इन फ्यूचर हम ज़रूर कराएंगे, उसका भी हम जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी तो फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको जो पहले ही पेमेंट करना होता है उसके बाद हम आपको जो है सामान यहाँ से डिस्पैच करा देते हैं। पूरा सामान है वो जेन्युइन मिलता है और हर एक सामान की जो पैकिंग की वीडियो है वो अपने सेकंड चैनल हेल्प एवरीवन पे भी डाली जाती है, आप उसे देख सकते हो। उसकी लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, आप वहाँ से जाके ज़रूर इसे विश्ट करें। और इस सामान को ख़रीदने के लिए आप सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारी लिंक मैंने दे दी है, किसी लिंक पर आप टैप करके सामान खरीद सकते हो काफ़ी चीप रेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या सामान है। और काफ़ी जो सामान है फ्रेंड्स वो अभी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है, तो वो आ जाएगा तो वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आ चुका है मैं उसी की एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो सारे सामान की मैं वीडियो बनाता तो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसे भी कवर करना, यानी ज़्यादा सामान नहीं है, मान लो 30% ही अभी सामान आया है, इसे भी कवर करना वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो सेकंड चैनल है हेल्प एवरीवन उसे भी सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं वो हैं शोल्डर आयरन, जो कि काफ़ी टाइप के हैं। तो जो सबसे पहला शोल्डर आयरन है वो है 25 वोल्ट का वाइट, और ये एक येलो है, ये भी 25 वोल्ट का ही है। आप इसको ख़रीद सकते हो, इसकी काफ़ी सारी क्वान्टिटी जो है मेरे पास है और ये काफ़ी चीप रेट में, फुली मेड इन इंडिया है। आप यहाँ पे देखो काफ़ी पीस रखे हुए हैं, ये वाइट और ये जो येलो है ये काफ़ी बिकता है। और इसके बाद जो है एक 60 वोल्ट का सोल्डर आयरन है, जो कि हैवी यूज़ के लिए लिया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो तो आपके लिए बेस्ट आयरन रहेगा, ये 60 वोल्ट के अंदर आता है। तो इसके भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पीस मंगाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लो इनको अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास कुछ कॉन्टीन्यूटी टेस्टर, जो कि एक दो की यहाँ पे जो पिन्नी होती है वो निकल चुकी है। ये कंटिन्यूटी टेस्टर होता है, इसे टेस्टर बत्ती भी बोलते हैं, जो काफ़ी काम में आती है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के काम में लेने में। और यहाँ पे दो पीस भारतीय सोल्डर हैं और कुछ सोल्डरिंग फ्लक्स की डिब्बी। अब फ्रेंड्स उसके बाद रोबोटिक्स का ये थोड़ा सा सामान आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने करीब 20 से 30 पंप मंगाई हैं, वाटर पम्प, और ये आप देख लो वाटर पम्प हैं और यहाँ पर वीओ मोटर भी हैं। तो ये जो वी वाटर पंप है ये गर्मियों के दिनों में कूलर बनाने के लिए काफ़ी यूज़ में होती है, आप इनको ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ वीओ मोटर हैं, ये रोबोटिक्स के या जो कार वगैरह होती हैं उन्हें बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्रोन की मोटर हैं, ये एक कॉम्बो आता है बिल्कुल अच्छा वाला, फर्स्ट क्वालिटी का मेरे पास कॉम्बो है। ये थोड़ा कॉस्टली तो होता है, आप इसे एक बार ज़रूर विश्ट करें। ये मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर कॉम्बो मंगाए हैं, ये ड्रोन के कॉम्बो हैं और बिल्कुल इस तरीके से पैकेट में बंद आते हैं, फुली सील पैकेट है ये, काफ़ी अच्छी दिखती हैं ये। तो फ्रेंड्स आप इन्हें देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास हैं कुछ व्हील, जो छोटे वाले व्हील हैं इस तरीके की मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि एक 10 पीस का पूरा बंडल आता है। फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखता है और रियर साइड से कुछ ऐसा, और इसी में यहाँ पर खांचा बना हुआ है जो कि डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास प्रोपेलर, यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास फैन एंड प्रोपेलर हैं। अब मैं आपको फैन एंड प्रोपेलर दिखाता हूँ। तो ये कुछ प्रोपेलर हैं जो काफ़ी सारे फैन बनाने के काम में आते हैं, कूलर वगैरह। ये देखो इसकी भी एक वैरायटी है मेरे पास पूरी। नेक्स्ट वैरायटी मेरे पास ये है, ये 2 पीस में आता है ड्रोन टाइप का, और ये जो है पीछे की साइड हवा देता है, आगे की साइड में से यूज़ इतना अच्छा नहीं होता, इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इस वाले फ़ैन की। नेक्स्ट है ये वाला फ़ैन प्रोपेलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, और ये फ्लेक्सिबल है मेरे पास, ये टूटेगा भी नहीं मुड़ के। तो ये इसका भी पूरा बंडल है 1000 पीस का, और यहाँ पे मेरे पास करीब 200 पीस का एक ये छोटा फैन प्रोपेलर का एक पैकेट है, आप इसे भी देख सकते हो यहाँ पे, जो कि पूरे 200 पीस का एक पैकेट है मेरे पास। और इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप देख लो, काफ़ी अच्छी है आपको दिखेगी, आप इसे जो छोटे फ़ैन बना सकते हो। और इसकी जो कुछ डिज़ाइन है वो इस तरीके की है कि आप इसे वाटर प्रोपेलर भी बना सकते हो।
नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर मेरे पास करीब 50 पीस सीपीयू के फ़ैन हैं जो एक्सिट फ़ैन बोले जाते हैं 3 इंची के 12 वोल्ट से ये चलते हैं, काफ़ी यूज़ में आते हैं एसी बनाने के या प्रोजेक्ट बनाने के में। तो यहाँ पे आप देख लो कितने सारे जो फ़ैन हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मेरे पास ये फ़ैन हैं, चौकोर साइज़ में हैं। आपको अगर राउंड चाहिए तो आप वो भी बता दो, हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। फ्रेंड्स कोई भी फ़ैन चाहिए इस तरीके का, एग्जिट फ़ैन, हाई स्पीड फ़ैन, वो हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। बस आपको जो है व्हाट्सअप के थ्रू उसका फ़ोटो भेजना होता है, हम आपके प्राइस वगैरह आपको फिर बता देंगे। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए एक बार, और उनकी जो ख़रीदने की लिंक हैं, नंबर हैं, वो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके इसे विजिट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ैन के जो प्रोपेलर हैं वो खोल के दिखा दिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स बैटरीज के ऊपर कि हम कौन कौन सी बैटरी यहाँ पर लेके आएँ। तो मेरे पास एक ये 100 पीस का पूरा पैकेट है LG बैटरी जो कि 2200 mAh की है, जो काफ़ी एम्पलीफायर बनाने और फ़ैन बनाना और अपना जो टेबल लैंप वगैरह होती हैं उन्हें बनाने में काफ़ी यूज़ में आता है। कनेक्टर फिट होता है इसके अंदर और ये जो है काफ़ी यूजफुल होती हैं। 2200 mAh के अंदर ये आती है। LG का इस पर जो है लेबल चिपका हुआ है GL का, तो आप इसे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास बैटरी आती हैं वो ये रही। तो यहाँ पर मैंने करीब ये लेड एसिड बैटरी हैं, इनकी डिमांड काफ़ी कम थी तो ये बहुत ही कम मंगाई हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे पास 2000 mAh की बैटरी हैं, तो मैंने अपने यूज़ के लिए लेके आया हूँ। ओरिजिनल 2000 mAh की बैटरी हैं, 7 पीस मैं अपने लिए लेके आया हूँ, ना कि सेल करने के लिए इन्हें। और यहाँ पे जो है मेरे पास 4 पीस, ये 5 पीस मेरे पास ये 4 वोल्टेज 1 एम्पियर की बैटरी है जो कि लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी है, ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलती हैं। और यहाँ पे 100 पीस मेरे पास 1200 mAh का लिथियम बैटरी है। आप यहाँ पे देखो, मैं इनके आपको जो है लेवल वगैरह भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लेवल देख सकते हो, 1850 1200 mAh 3.7 लिथियम बैटरी है ये। इससे हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ लेते हैं, तो मैंने इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी मंगाई हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने ये फीमेल 5 वोल्टेज कनेक्टर जो कि केबल टाइप में, इनके पीछे केबल लगी हुई है। यहाँ पे स्मॉल रॉकर स्विच है, ये पैकेट के अंदर है थोड़ा सा इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा, लेकिन नया माल है, एकदम फ्रेश माल है। इसके बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप के पैकेट हैं, ये क्रोकोडाइल क्लिप है जो अपना किसी भी वायर को ईजिली कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टर पर यूज़ करने के लिए लगाया जाता है। ये फ्रेंड्स 6 रेजिस्टेंस में 7 स्टेप रोटरी है जो कि 6 रेजिस्टेंस में आता है, 4 में भी आता है लेकिन वो काफ़ी चीप होता है, तो मैंने वो ख़रीदा नहीं क्योंकि रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंट था नहीं। तो आप इसे ही यूज़ करो, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है और अच्छा वर्क है, बिल्कुल नया माल है। आप इस पर देख सकते हो 2021 का लेबल लगा हुआ है और येलो कलर में है ये। तो ये हो गया माल। एक मेरे पास ये 200 पीस का रोकर स्विच है, SPST का पैकेट है, मैं इसकी भी आपको क्वालिटी दिखा दूँ। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का मैं लेके आया हूँ, जिस पे नंबर पड़ा होता है 01। इस तरीके से आप देखो, फर्स्ट क्वालिटी है ये, फिनिशिंग के साथ है, खूब चमकीला है। इसे आप किसी भी जब प्रोजेक्ट या अपने प्रोडक्ट में लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर टिकटॉक स्विच लेके आया हूँ और कुछ मूवमेंट्री स्विच वगैरह भी हैं, फीमेल सॉकेट भी हैं, वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये हो गए अपने फीमेल सॉकेट हैं 12 वोल्टेज की जो कि स्क्रू टाइप में हैं, इनके पीछे चूड़ी होती है और नट पीछे की साइड से इसमें कस जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, इसमें चिपकाने का कोई झंझट नहीं होता। तो यही जो काफ़ी डिमांड में थी तो मैं यही लेके आया हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो वो भी मैं मंगा सकता हूँ, थोड़ा सा क्वान्टिटी में ऑर्डर आपको करना होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चलते हैं तो वो है टिकटॉक स्विच, ये टिकटॉक स्विच हैं, आप इन्हें मंगा लो, ये काफ़ी यूज़ में होते हैं। आप कोई भी इमरजेंसी लाइट वगैरह बनाओगे तो उसमें ये 101% यूजफुल होते हैं। और ये मूवमेंट्री स्विच हो गए अपने, जो कि पुश स्विच भी बोल देते हैं, 4 पिन का स्मॉल स्विच है मूवमेंट्री स्विच, इसका भी मैं पैकेट लेके आया हूँ। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं तो वो है अपने पास स्पीकर्स। तो यहाँ पर स्पीकर की मेरे पास ज़्यादा वेराइटी नहीं है, केवल मैं 2 वेराइटी के बहुत ही कम स्पीकर लेके आया हूँ। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से आप ऑर्डर कर दीजिए, कहीं ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो मैं काफ़ी कम लेके आया हूँ। और आप देखो कि इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये 3 इंची के हैं। और ये जो आप पत्ता देख रहे हो, ये वाला जो मैंने अभी पत्ते में से निकाला है, ये भी मैं थोड़े ही लेके आया हूँ। ये LCD और LED के अंदर लगने वाला स्पीकर है, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है और दिखने में बहुत ही छोटा होता है, तो मैंने इसकी भी जो है काफ़ी कम क्वान्टिटी लेके आया हूँ। तो आप इसे भी ऑर्डर कर दीजिए जल्दी से, जो कि काफ़ी चीप है, इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल वगैरह, ये जो होते हैं
काफ़ी सारे इनका कॉम्बो भी आता है, आपने देखे होंगे कॉम्बो भी बाज़ार में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा मेरे पास सीट है, इस सीट के अंदर करीब 100 पीस निकलते हैं, यानी मैं कई सीट लेके आया हूँ इसी तरीके की। तो यहाँ पे आपको छोटी वाली दिखा दूँ, थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ रखा है। तो ये पाम 8403 का मॉड्यूल है जो कि डबल चैनल में आता है। उसके बाद ये TP4056 विद ओवर चार्जिंग लो बैटरी एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के अंदर है, जो कि कंप्लीट आपको बोर्ड मिलता है। इस तरीके से मैं इसका भी एक पूरा पत्ता लेके आया हूँ, इसमें करीब 50 पीस हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले जो है BT चिप बोली जाती है, इसका नाम याद रखो क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो ब्लूटूथ मॉड्यूल में, तो इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल में BT चिप बोला जाता है, जो कि डबल चैनल होता है और 5 वोल्टेज ऑपरेट है। काफ़ी इसकी रेंज होती है ब्लूटूथ की भी। नेक्स्ट है BT108, इन्हें हम USB पैनल या BT108 के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल न्यू ब्रांड है। ब्लूटूथ इसमें आप लगा सकते हो, ब्लूटूथ इनबिल्ट है, साथ ही आप इसमें USB, यहाँ पे आप देखो USB और TF और AUX से भी इसे चला सकते हो। बिल्कुल आप देख लो, बढ़िया चीज़ है ये, काफ़ी यूजफुल होता है। और ये भी डबल चैनल में आता है विद डिस्प्ले एंड 4 बटन। तो आप यहाँ पे देखो पीछे की साइड से इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तो एकदम फर्स्ट क्वालिटी का ये माल है। नेक्स्ट है ये वाले रिमोट, ये ब्लूटूथ USB पैनल के रिमोट हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी दूर इनकी रेंज होती है और क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे अच्छा यूनिक कार्ड मेरे को यही लगता है। इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या फीचर मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस बटन मिलते हैं इसके अंदर, साथ ही एक AUX चार्जिंग जैक, ऑन ऑफ स्विच और ब्लूटूथ मॉड्यूल, एम्पलीफायर मॉड्यूल इसी के अंदर इनबिल्ट होता है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है अपने पास एक ये वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि अलग अलग वोल्टेज सप्लाई हमको प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये बॉडी होती है इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल की, ये इस तरीके से इसके अंदर फिट हो जाता है। आप इस तरीके से फिट करके इसे किसी भी एम्पलीफायर के अंदर यूज कर लो, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसमें पीछे की साइड से स्क्रू कस जाते हैं। और एक ये सबवूफर का मॉड्यूल है, जो कि मैं एक ही पीस लेके आया हूँ, आप इसे मंगा सकते हो। और यहाँ पे कुछ IR सेंसर, ये IR सेंसर है, 3 पिन का आता है, जो 3 पिन का IR सेंसर है, जो रिमोट की सेंसर भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया एम्पलीफायर का सामान। अब थोड़ा सा कॉमन सामान है जैसे वायर वगैरह, तो यहाँ पे हैवी क्वालिटी का, बिल्कुल लो क्वालिटी का नहीं, हैवी क्वालिटी का ओरिजिनल मेरे पास रेनबो वायर है। यहाँ पे 2 ब्लैक एंड रेड प्रोजेक्ट वायर हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर यूज होते हैं कनेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है 5 वोल्टेज की पावर सप्लाई, जो कि मेरे पास 30 पीस का एक कॉम्बो है। ये 30 पीस से कम नहीं मिलते, लेकिन आपको लूज में मिल जाएगा, अगर आप 1-2 पीस लेना चाहो तो डायरेक्ट मेरे से खरीद सकते हो। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़े होते हैं। और यहाँ पे 100 पीस ये MCPCB हैं, नहीं सॉरी, ये MCPCB नहीं, DOV इनको बोला जाता है। ये 100 पीस DOV है 9 वोल्ट की, जो कि डायरेक्ट ऑन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसे डायरेक्ट आप बोर्ड पे लगा दो और 220 वोल्टेज दो, ये ग्लो हो जाएगी। यहाँ पे ये काफ़ी पतला, बहुत ज़्यादा पतला होता है, ये पिन्नी की तरह एक रिवर्सेबल टेप है, जो कि दोनों साइड से चिपक जाता है। जो पावर बैंक में अपने सेल होते हैं, बैटरी होती हैं, उन्हें फिट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये एक टेप हो गया, रिवर्सेबल टेप है, यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर नेक्स्ट है कुछ जिक, ये जिक होती हैं, जैक भी बोलते हैं इन्हें। तो ये वाले जैक हैं मेरे पास, जो कि अपना एम्पलीफायर में कनेक्शन के लिए यूज़ में होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 1000 पीस के मेरे पास ये पत्ते हैं, करीब 250 पीस के, जो कि 4 वोल्टेज की LED स्ट्रिप है। आपको इसमें से 12 पीस जो है मिल जाते हैं 15 रुपये के, काट के हम यहाँ से जो है भेज देते हैं इन्हें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मोटर की वेराइटीज़। तो मेरे पास सबसे पहले ये 5 वोल्टेज टॉय मोटर है, टॉय DC मोटर, जो कि मैं पूरा एक पैकेट लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखो टॉय मोटर हैं, ये 100 पीस का पूरा पैकेट है और काफ़ी हाई स्पीड में ये रन करती हैं यहाँ पे। तो मैं काफ़ी सारा यहाँ पे जो है ये मोटर का माल लेके आया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये वाली मोटर है, इसमें मैं आपको वेराइटीज़ दिखाता हूँ कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। तो मेरे पास एक ये येलो कैप की मोटर है, और ये काफ़ी बड़ी होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई टॉय मोटर उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और काफ़ी पावरफुल होती है। ये 12 वोल्टेज से ऑपरेट होती है। यहाँ पे आपको इसका कंपैरिजन दिखा दूँ, तो आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कंपैरिजन में आगे की साइड से कौन सी मोटर कितनी बड़ी है और कौन सी छोटी है, एक नॉर्मल है और एक बड़ी वाली है। तो इस तरीके से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर पावर भी कितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ी मोटर है, एक इसके मुकाबले वो वाली काफ़ी बड़ी है, ये छोटी होती है।
नेक्स्ट जो मेरे पास मोटर हैं वो हैं ये वाली लॉन्ग सापट की मोटर हैं, और ये और भी ज़्यादा हैवी हैं। इसके अंदर जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं, कार्बन वाले, कार्बन लगे होते हैं उस पर और कॉपर होता है। तो यहाँ पे आप देखो, और इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो पीछे की साइड से दिए होते हैं, और इसका कैप की क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मोटर है और पावरफुल बहुत है, इसका आप पावर का अंदाज़ नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस तरीके से। और इसकी जो सापट है वो काफ़ी लंबी दी जाती है बाकी की और मोटरों की तुलना में, जो कि हम ड्रिल वगैरह इससे बनाएंगे। और मेरे पास ये भी एक डीसी राउंड शेप मोटर है, 12 वोल्टेज की ये मोटर होती है डीसी में, और ये ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट या 3D प्रिंटर वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं। यहाँ पर एकदम न्यू मोटर होती हैं और काफ़ी हाई स्पीड में ये भी रन करती है, तो आप इन्हें भी देख सकते हो यहाँ पे। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, तो मेरे पास एक ये मोटर है जो कि स्क्रू ड्राइवर बनाने या कोई रोबोटिक्स के लिए यूज होती है, गियर मोटर। यहाँ पे फ्रेंड्स दो पीस मेरे पास ये वाली मोटर है। ये मोटर जो आप देखो कि इसकी जो सापट है आगे से कटी हुई है, आधी फटी आप बोल सकते हो इस सापट को, और ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट ऑपरेट होती है। मैं इसको जो लेके आया हूँ इस तरीके के ड्रिल चक में फिट करने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी जो सापट है वो आधा कटा हुआ है और इसमें ये इजीली कनेक्ट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होती है। ये कही है मेरे पास 775 मोटर की वेराइटी। ये जो 775 मोटर है ये नॉन वेयरिंग है, यानी बुश वाली है, इसके अंदर वेयरिंग नहीं, बुश दिए गए होते हैं, और काफ़ी पावरफुल होती है और ये चीप भी है, और जो बेयरिंग वाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो ये एक 555 मोटर की वैरायटी, ये आप देख सकते हो 555 मोटर है जो फैन वगैरह में यूज होती है काफ़ी टाइम से, और ये काफ़ी बड़ी भी है, आप देखो 555 की तुलना में छोटी है, 555 काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटर की वैरायटीज जो दिखा दी। अब चलते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट की ओर, तो मेरे पास कंपोनेंट भी कौन कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट भी यहाँ पे आप देख लो, ये कंपोनेंट हो गए सारे, और थोड़े से छोटे मोटे टूल्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे कुछ पीस, 4-5 पीस सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट हैं, 25 वोल्ट का सोल्डर आयरन का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक 25 वोल्ट का सोल्डर आयरन एलिमेंट जो कि मेड इन इंडिया है। यहाँ पे 5408 के डायोड हैं, 200 पीस ये मेरे डायोड लेके आया हूँ, और 500 पीस मेरे पास ये IN4007 के डायोड हैं। ये आप देखो 4007 के डायोड हैं, 500 पीस यहाँ पे। कुछ में मल्टीमीटर की प्रोब्स लेके आया हूँ डिफरेंट साइज में, और यहाँ पे ये LM317 के 100 पीस का एक पैकेट है जो कि वेरिएबल सप्लाई बनाने के लिए यूज में होती है। यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर सेट है। नेक्स्ट चलते हैं, तो मेरे पास कुछ प्री सेट हैं, यहाँ पे प्री सेट आप देख लो 10K और 100K इस तरीके से। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर हैं, ये पोलराइड कैपेसिटर बोले जाते हैं, 25 वोल्टेज 4700 UF का ये कैपेसिटर है। और इसके आगे जो चलते हैं तो वो हमें देखने को मिलते हैं स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे ये जो स्क्रू ड्राइवर हैं ये मोबाइल वगैरह को खोलने के यूज़ में होते हैं, आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हो, ये भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे एक 25 वोल्ट सोल्डर आयरन की बिट है। यहाँ पे मेरे पास 100 पीस BC547 के ट्रांजिस्टर हैं, आप देखो BC547 NPN ट्रांजिस्टर है ये वाला। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर मेरे को मिल जाते हैं, जैसे 25 वोल्टेज 1000 UF, 25 वोल्टेज 2200 UF। यहाँ पे कुछ NTC है मेरे पास, ये NTC है 10K का, जो कि थर्मेस्टर भी बोला जाता है, और ये BMS मॉड्यूल हो गए जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी और थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और ये हो गए मेरे पास कैपेसिटर, ये हो गई हीट सिंक जो कि 9 वोल्ट LED की हीट सिंक होती हैं, या 1 वोल्ट LED जो आती है जो 4 वोल्ट ऑपरेट होती है उसकी ये हीट सिंक हो गई। ये भी आपको ईजीली मिल जाएगी हीट सिंक, इस पर सोल्ड करते हैं। एक ये PIR सेंसर है जो कि मोशन डिटेक्टर सेंसर भी बोला जाता है, जो कि ऑटोमेटिक लाइट वगैरह बनाने के यूज़ में आएगा। यहाँ पे कुछ मेरे पास टोन हैं, आप देखो ये जो टोन हैं थोड़े से ओल्ड हैं, यानी ये एक बार क्या हुआ था, दुकानदार मेरे को बता रहा था कि हल्की सी बारिश की बूंदें इस पर चली गई और ये भीग गया, तो ये जंग खा गया, लेकिन इसकी जो बॉडी है उसी पर जंग लगा हुआ है, लेकिन टोन एकदम ओके हैं। यहाँ पर 12 वोल्टेज के मेरे पास मेल भी हैं, आप देखो। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना BMS, मैं इसी की बता रहा था आपको। तो ये जो 20 एम्पियर का यहाँ पे आप देखो BMS, और इसके अंदर लगे होते हैं यहाँ पे कुछ 4 MOSFET टैप और काफ़ी छोटे मोटे कंपोनेंट। ये BMS भी आप यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।